वेस्टइंडीज से मिली एक हार के बाद जो भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर भारतीय टीम ने जड़ा जोरदार तमाचा। गलतियों से सीख भारत ने वेस्टइंडीज को रौंदा, 200 रनों से हरा, सीरीज पर किया कब्जा। मैच में ईशान गिल और हार्दिक ने बल्ले से ढाया कहर, तो गेंदबाजी में मुकेश, कुलदीप और शार्दुल ने कैरेबियंस का किया शिकार। सीरीज में भारत को मिला एक और सितारा। वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराकर आखिरकार भारत ने पिछली हार का बदला चुका ही लिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। एशिया कप के बड़े मुकाबलों से पहले वेस्टइंडीज के साथ ये सीरीज बेहद अहम थी। इस सीरीज के दौरान भारत ने कई प्रयोग किए। ईशान किशन और संजू सैमसन को एक साथ खिलाया गया, तो ईशान किशन का वनडे में डेब्यू भी हुआ। इस सीरीज में ईशान किशन ने अपने डेब्यू को यादगार बना दिया। ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 3 मैच में अर्धशतक जड़े और 184 रन बनाए। 112 की स्ट्राइक रेट और 61 के रन रेट के साथ बनाए गए 184 रनों में ईशान किशन ने एशिया कप और विश्व कप के लिए टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया। वेस्टइंडीज से पिछले मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजी का शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारत को जो हार मिली उसके बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हुई। रोहित और विराट कोहली को आराम दिए जाने पर सवाल उठाए जाने लगे। दोनों की गैर मौजूदगी में भारत की बल्लेबाजी क्रम की विफलता सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन आज बल्लेबाजों ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। ईशान किशन और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। उसके बाद आए बल्लेबाज संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव सभी ने तेज बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 350 रन के पार पहुंचाया। उसके बाद गेंदबाजी करने उतरी भारत की टीम ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को भी एक के बाद एक धराशायी कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि 150 रनों के अंदर ही वेस्टइंडीज की टीम सिमट गई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को समेटने में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के साथ शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने बड़ी भूमिका अदा की। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारत के सभी गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। आखिरकार वेस्टइंडीज को शर्मनाक हार। आज के मैच में संजू सैमसन ने भी बेहद आक्रामक पारी खेली। अर्धशतक बनाकर टीम के लिए असमंजस खड़ा कर दिया, क्योंकि ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों न सिर्फ विकेट कीपिंग करते हैं बल्कि दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। ईशान किशन ने तो 3 मैचों में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी मुकाबले में संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ 2 चौके और 4 छक्के जड़कर 50 रन बनाए और पवेलियन वापस लौट गए। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट के पास सबसे बड़ी कसमकस ये होगी कि आखिर किस विकेट कीपर को एशिया कप और विश्व कप के मुकाबलों में खिलाया जाए। पहले टेस्ट सीरीज में कब्जा, उसके बाद वनडे सीरीज में कैरेबियंस को पटखनी देने के बाद अब भारतीय टीम T20 सीरीज के लिए तैयार है। T20 सीरीज की जीत के बाद एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम जाएगी। ऐसे में जीत के मायने बेहद अहम हो जाते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।